प्रदेश सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान 20 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में महिलाओं की शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य एवं पोषण, स्वच्छता तथा सुरक्षा को लेकर प्रशासन को सतर्क बरतने के लिए निर्देश दिए। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित लखनऊ से सीधा प्रसारण के अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी शलभ माथुर, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, बीएसए बीएन सिंह, एसपी क्राइम अशोक वर्मा, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी, दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, उपायुक्त उद्योग पूजा श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, आशा ज्योति केंद्र की सदस्य और विभिन्न महिला संगठन के प्रतिनिधियों ने लाइव प्रसारण को देखा। एक माह तक चलने वाले नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का 20 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 21 से 26 नवंबर तक ब्लॉकों में सभी महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्लॉक वार प्रशिक्षण आयोजित होगा तथा 27 नवंबर से 8 दिसंबर तक प्रदेश सरकार की सभी महिला सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपने अपने ब्लॉकों की महिला लाभार्थियों के घरों में जनसंपर्क करेंगी तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए योजनाओं के संबंध में जागरूक करेंगी। इसके अतिरिक्त 9 से 19 दिसंबर तक नारी शक्ति शिविर एवं 20 दिसंबर को समापन नारी स्वावलंबन सम्मेलन आयोजित होगा। कार्यक्रम की शत प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। हमारे मन में जो कुछ इस अभियान को लेकर चीज को सशक्त बनाने के लिए जो बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें उनके स्वास्थ्य की, उनके शिक्षा की, उनके रोजगार की चीजें जुड़ी हुई है, जिससे कि उनका एक सम्यक विकास हो सके, बेहतर जिंदगी जीने के अधिकार का, ये बहुत सारा कुछ है। और ये अभियान शुरू में बताया कि वो सारे स्टेक होल्डर्स जो महिलाओं के एनएम हो, आशा बहु हो, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सारी महिला का जो हक है और अधिकार है उससे मिलना चाहिए। और अगर उन्हें हुए कि दीप प्रज्वलन का काम शुभारंभ हो जाए तो आपको इस मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ कि दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। सहभागी हैं, इस आशा के सहभागी हैं और सहयात्री हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। इनके स्वास्थ्य का, पोषण का हम लोग विशेष तौर से ध्यान देते हैं। जो विभाग की योजना है उसमें सबसे प्रमुख योजना पुष्ट आहार का वितरण हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होता है। जो मैं लाभार्थी समूह बताया हूँ, उन लाभार्थी समूह को हम लोग महीने में एक दिन बुला करके आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्ट आहार का वितरण करते हैं। किसी का एक महीने में एक लाभार्थी को लगभग 3 किलो पुष्ट आहार दिया जाता है, जो उनको प्रतिदिन 100 ग्राम, 120 ग्राम, 140 ग्राम, सबका अलग अलग है। गर्भवती महिला को 40 ग्राम खाना होता है प्रतिदिन, किशोरी को और धात्री को 120 ग्राम खाना होता है, और जो केंद्र पे बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पे जो 3 साल से 6 साल के होते हैं उनको प्रतिदिन 50 ग्राम केंद्र पे ही दिया जाता है। इसके साथ ही हार्ट फूड की व्यवस्था है जो संचालित होने वाली है जिले में, और उसके तहत बेटे मिल के साथ हम लोग इसको संचालित कर रहे हैं। जो हमारे 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं वो प्राथमिक विद्यालय में आएंगे और उनको वहाँ पे मिड डे मील की तरह भोजन दिया जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और हम महिलाओं का जिस तरीके से हर टीम पर अपना एक योगदान है, अपना एक शक्ति का विश्वास है, एक अपना आत्मविश्वास है, वो अभी तक हम लोगों के में वो हासिल नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जहाँ की नारी को पूजा जाता है और हर क्षेत्र में नारी ने एक अपना स्थान बनाया है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे एक से एक बड़े रिकॉर्ड हो,
वर्ल्ड के किसी भी देश को उठा कर देखिए, जहाँ नारी का सम्मान किया गया, जहाँ नारी को पूजा जाता है, वहाँ नारी कहीं ना कहीं अपना रूप दिखा करके अपनी शक्ति को प्रदर्शन करती है। लेकिन हमारे भारत में अभी भी कुछ कमियाँ हैं, जिन कमियों को हमें ठीक करना है, जिन कमियों को हमें समझना है, और हमें ज़रूरत है कि हमारी बेटियाँ समझें कि हम आगे चल करके माँ जब बनेंगे और हम माताएँ अपने बच्चों को जब अपब्रिंगिंग करेंगे, तो अपब्रिंगिंग में ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, उनको सिखाएँ, उनको बताएँ कि नारी का क्या वैल्यू है, आपकी बहन का क्या वैल्यू है, आपकी बेटी का क्या वैल्यू है। देखो पर सांसद की वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं।
के लगभग 70 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में इस के बारे में इस विमेन पावर नंबर के बारे में जानकारी थी। प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वर्ग का हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो 150 प्रत्येक जनपद में प्राप्त होते हैं। मेरा मानना है कि बड़ी संस्था में आप